मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने ग्रामीण और किसानों के लिए साइबर तहसील शुरू की है। साइबर तहसील के शुरू हो जाने से अब महीनों में होने वाले काम कुछ मिनटों में हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में साइबर तहसील बना के ग्रामीण और किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हमारे संवाददाता संतोष द्विवेदी ने साइबर तहसील का जायजा लिया और देखा कि लोग इससे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। पहले लोगों को परेशान होना पड़ता था, तहसील का चक्कर काटना पड़ता था, पटवारी के पास चक्कर काटना पड़ता था। अब पूरे मध्य प्रदेश में यह योजना शुरुआत हो गई है, तो इसमें जैसे रजिस्ट्री होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो 3 दिन बाद पटवारी के पास चला जाता है उसकी PDF फाइल। पटवारी यदि निर्विवाद है तो पटवारी फिर रिपोर्ट देता है निर्विवाद है, ये नामांतरण करने योग्य है। तो इस तरह प्रक्रिया चलती है, तो 1 महीने के अंदर फिर से ऑनलाइन जिस व्यक्ति की रजिस्ट्री हुई है उसको ऑनलाइन PDF फाइल निकाल सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा ब्रजेश भाई से कि क्या कहना है आपका। देखिए, सरकार जो योजना बनावत है अभी तो बहुत ओकर लाभ मिलेगा। पहले कह रहा कि बड़ा समय लगत रहे, लेकिन ये टाइम पर समय नहीं लगत, ये समय जल्दी हो जाता काम। तो जब सरकार की योजना देता हम के एक लाभ मिलता, अब बहुत अच्छा योजना भाई का, ये हम कहा। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ये जो है रजिस्ट्री होते ही 1 महीने के अंदर उनको रजिस्ट्री दर्ज होके मिल जाती है। तो उस पर अजय जी आपका क्या कहना? ये निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और इसका हम सभी को बहुत विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। हम कहीं भटकना नहीं पड़ता है और ये सुविधा हम लोग को ये बहुत सम्मानजनक है और बहुत सुविधाजनक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत किया है कि किसानों को इससे समस्या न हो, घर बैठे उनको ऑनलाइन रजिस्ट्री मिल रहा है। क्या कहना है सिंह जी आपका? निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव जी का एक बहुत बढ़िया पहल रहा साइबर तहसील की, उसमें क्योंकि किसानों को या किसी को जमीन खरीद पर रोक में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए आना जाना काफी दिक्कतें होती थी और ये ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर नामांतरण हो जाना ये पब्लिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही अच्छी पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम किसान से बात कर रहे हैं जो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो साइबर नामांतरण के नाम पर पहल किया है और आज हम पूछेंगे किसानों से क्या बड़ा फायदा हुआ इस नामांतरण ऑनलाइन। मैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम किसान भाइयों के हित में जो नामांतरण साइबर नामांतरण की जो योजना लाए हैं वो ऐतिहासिक योजना है। हम किसानों को अपनी ज़मीन खरीद और बिक्री में महीनों भटकना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था तहसील के, अब हमारी रजिस्ट्री होने के बाद अपने आप हमको पावती बन के ऑनलाइन मिल जाती है। ये चमत्कार आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है जिसमें कि हम किसानों को भारी राहत है। किसी जमीन की रजिस्ट्री कराते थे तो उसके बाद हमको अपने नाम जगह कराने के लिए एक आवेदन देना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नामांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई है वो सही में किसानों के लिए और खरीददारों के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसके तहत मतलब है कि अब किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और रजिस्ट्री के साथ ही उनके नाम में वो जमीन हो जाएगी। तो सही में ये मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है। सिंगरौली के अपर कलेक्टर PK सेन गुप्ता ने बताया कि जैसे ही रजिस्ट्रार के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की रजिस्ट्री होती है 3 दिन में रजिस्ट्री की PDF फाइल पटवारी के पास चली जाती है। यदि वह जमीन निर्विवाद है तो पटवारी रिपोर्ट लगाकर फिर तहसीलदार के यहाँ भेजते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया 1 महीने में पूरी होती है। अब ग्रामीणों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले रजिस्ट्रार के बाद नामांतरण के लिए तहसील और पटवारी का चक्कर लगाना पड़ता था। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये कैसे लोगों की रजिस्ट्री होती तो कैसे इनके डायरेक्ट नामांतरण हो जाता है जी? ये साइबर तहसील का कंसेप्ट एक्चुअली ऑल ओवर MP में 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई है। पहले ये 2022 में 6 जिलों में इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, बाद में इसे ऑल ओवर MP में कर दिया गया है। ये सिर्फ अनडिस्प्यूटेड लैंड और कृषि भूमि के लिए है।
एक तो ये शहरी या नजूल भूमि के लिए नहीं है, दूसरा ये डिस्प्यूटेड लैंड के लिए नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि रेवेन्यू के सारे प्रकरण RCMS पोर्टल पर दर्ज होते हैं, तो जैसे ही रजिस्ट्री होती है वैसे ही क्षेत्रीय तहसीलदार और साइबर तहसीलदार के पास उसकी कॉपी चली जाती है। उसके बाद रीडर का काम स्टार्ट होता है। रीडर करता क्या है कि वो सबसे पहले RCMS पोर्टल में इसको दर्ज करता है और इसे फिर पटवारी को देता है। पटवारी का अपना जो ऐप है यानी सारा ऐप में वो उस रिपोर्ट को बनाता है। अगर रिपोर्ट अगर डिस्प्यूटेड है तो क्षेत्रीय तहसीलदार के पास चला जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट डिस्प्यूटेड नहीं है और सिर्फ कृषि भूमि को लेकर है तो यह साइबर तहसीलदार को उसकी जो रिपोर्ट की कॉपी है वो सारा ऐप से फॉरवर्ड हो जाती है। और ये उसका जो ड्यूरेशन है वो 10 डेज का रहता है पटवारी का। अगर 10 डेज में अगर वो अपना रिपोर्ट नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली उसके सारा ऐप में 3 डेज का एक रिमाइंडर आ जाता है, अर्थात अधिकतम 13 दिन 14 दिन में उसको देना ही है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 20 दिन में यह संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाना चाहिए, अधिकतम ये 30 दिनों से किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है संबंधित पक्षकार को? संबंधित पक्षकार के पास में ये SMS के रूप में या WhatsApp या ईमेल के रूप में आ जाता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाती है जो हरेक जगह के लिए मान्य होती है। अभी तक जब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है सिंगरौली जिले में तो 741 प्रकरण आज की तिथि में यह निराकृत हो चुके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।